अच्छा आप जरा वहां जाके खड़े हो, बस बस रुक जाए, चले। माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? पुत्र मैं बाल करा रही हूँ। गोल 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 गोल। क्या 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 हुआ मेरी बीवी को? जानू जानू क्या हुआ? अरे जवाब दो मोमो, क्या किया खूबसूरत को? ना मुझे क्या पता, मैं तो उसके साथ होंकी खेल रही थी, मैंने भाग के ना बाल कराई तो उसके सिर पे लगी, तो सिर पे लग के ये नीचे गिरी और बोश। वो कौन सी बॉल कराई थी माँ जी आपने? मेरा ख्याल है इसने बाउंसर करवाई होगी। वो जो माँ जी ने कराई होगी वो बाउंसर होगी? हाँ जी। अच्छा जी, मैंने ये वाली बॉल कराई थी। क्या? हाँ बच्चू। अरे मोमो ये बॉल नहीं बैट है। तुमने ये खूबसूरत के सर पे दे मारा? ओ माँ जी आपने मेरी खूबसूरत बीवी को मार डाला। पुत्र गलती से हो गया ना, पहली गलती माफ, पहली बॉल नॉट आउट। अरे लेकिन तुमने तो खूबसूरत को आउट ही कर दिया। अब मैं 5,000 किससे मांगूंगा महमूद साहब? मेरी बीवी तो मर गई यार। अरे मरी नहीं है, सिर्फ बेहोश हुई है। हाँ वो देखो सांस चल रहा है। पुत्र एक बॉल और हो जाए। अरे तुम तो चुप करो, चलो नबील इसको अंदर लेकर चलते हैं। ओ ये कैसे जाएगी अंदर, ये तो बेहोश है। अरे चलो भाई उठाओ इसे, होश में लेकर आओ। ओ चले माँ जी हाथ लगाए ना। अच्छा पुत्र नहीं ये ले। ओ माँ जी मुझे नहीं हाथ लगाना, इसको हाथ लगाना है। अरे उठाओ उठाओ कलरे जाना। चलो चलो जानू होश में आओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जानू हम सड़क पे आ जाएंगे। चलो हम सड़क पे क्यों आएंगे हैं? अरे अगर खूबसूरत का कुछ हो गया तो इसका बाप हमें खर्चा कहाँ से भेजेगा बेवकूफ औरत। होश बशे पुत्र उठ, आंखें खोल, तुझे कसम है तेरे बाप की, उठ पुत्र उठ। कौन हो तुम लोग? हम तुम्हें उठा के लाए हैं जानू। क्या? हाँ तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया? वो जानू बावली हो गई हो, हम क्यों तुम्हें किडनैप करेंगे यार। बकवास बंद करो घटिया इंसान, और तुम मुझे जानू जानू क्यों बोल रहे हो? हाँ नबील ये जानू अब बहुत पुराना हो गया, कुछ नया बोलो। हाँ नई जानू बोल। खबरदार जो तुम लोगों ने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तुम लोग जानते नहीं हो मेरे पापा को, सबको जेल में भिजवा देंगे। क्या बकवास किए जा रही है? एक तो हम उठा के तुझे यहाँ लेकर आए तो तू हमारे ऊपर शोर डाल रही है। लगता है जानू तुम्हारे सर पे चोट आई है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाता हूँ। खबरदार तू मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, मैं मार डालूंगा। जानू ओ जानू लगता है पागल हो गई है। चलो चलो नबील मुझे लगता है खूबसूरत पागल हो गई है। ओ महमूद साहब नाटक कर रही है यार। क्या? ओ मैंने 5,000 रुपए जो मांग लिए थे ड्रामे कर रही है। हो सकता है पुत्र, मैंने जो उसके सिर पे होंकी मारी थी ना उसकी वजह से उसकी वो चली गई हो। बैट? हाँ हो सकता है उसकी बैट चली गई हो। याददाश्त मोमो? हाँ उसके बैट की याददाश्त चली गई हो। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ यार नबील, मैं तो कहता हूँ किसी डॉक्टर को दिखाओ खूबसूरत को, इससे पहले कि खूबसूरत घर में किसी को नुकसान पहुंचा दे। सही कह रहे हैं। ओए तू किधर जा रही है बच्चू? मैं अपने घर जा रही हूँ। और तेरा घर यही है अकेला? मेरा नाम अकेला नहीं है। अच्छा तो फिर नाम बता अपना। खूबसूरत। अच्छा नाम याद है अपना, बाकी सब भूल गई है? मैं कुछ नहीं भूली। अच्छा तो फिर बताओ मैं कौन हूँ? किडनैपर? नहीं। बदमाश? नहीं। हार मानी? हाँ। और मैं तेरे शोहर की माँ हूँ। क्या? हाँ और मैं तुम्हारा शोहर हूँ जानू, हमारी एक बच्ची भी है। तुम लोग का दिमाग खराब है क्या? मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी। क्या? ओए बेगैरत इतने अरसे तो तू शादी के बगैर इसके साथ रह रहा है। वो कैसी बातें कर रही है माँ जी, मुझे लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। बकवास बंद करो, तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है ना मुझे सब याद है। तुम लोग मेरे पापा से पैसे बटोरना चाहते हो? अरे अगर तुम्हें हमारी बातों पे यकीन नहीं आ रहा ना तो अपने बाप को फोन करके पूछ लो। क्यों नबील? हाँ मामू साहब, और मेरा 5,000 रुपया भी मंगवा लेना वहां से। शट अप। शटअप तो उसी तरह कह रही है।
बेटा जी मुझे पता है कि तुमने फिर पैसे मांगने के लिए फोन किया होगा, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। बाय बाय। पापा की बेटी किडनैप हो गई है यार। सनी हेलो सनी बाहर पुलिस आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, पुलिस क्यों आई है? मुझे लगता है महमूद साहब खूबसूरत ने पुलिस बुला ली है। ना उसने पुलिस क्यों बुला लिए हैं? ओ माँ जी, उसे लगता है कि हम लोगों ने उसे किडनैप कर लिया है। आप क्या करेंगे नबील? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा महमूद साहब। ओए डरपोक बज़दिल, घबराता क्यों है? तू मेरा पुत्र है। हाँ जाके दरवाजा खोल, मैं देख लूंगी उस पुलिस वाले को। वो तुम जिसको देखोगी वो पुलिस वाला होगा। हाँ जी। अच्छा जी, आओ नबील चलकर दरवाजा खोलते। आप चले, दरवाजा खोले, मैं आता हूँ। चलो ना, डर क्यों रहे हो? आ रहा हूँ ना मैं। चलो 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 चाबा, चलो चलो खुश जाओ, चलो ना, मर्द बनो मर्द बनो। मर्द बनो से पैदा क्या हो गया आपको? खूबसूरत का है? कौन है मुझसे मिलने मंसूर? माँ जी इंस्पेक्टर साहब आए हैं। हाँ बोल, मैं हूँ खूबसूरत। और अंधी भी, हटो मेरे रास्ते से। खूबसूरत खूबसूरत, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चल पुत्र, फिर इससे लैट्रिन की नालियाँ जो बंद पड़ी हैं वो ठीक करा लेते हैं। अरे तुम तो चुप करो मोमो। नबील, ये खूबसूरत इस पुलिस वाले को कैसे जानती है? पता नहीं मामू साहब। सनी, इन लोगों ने मुझे किडनैप किया था। तुम लोगों की ये हिम्मत? अरे नहीं ऐसे जो साहब, हमने इसे किडनैप नहीं किया, ये तो कई सालों से हमारे साथ रह रही है। बकवास बंद करो सनी, गिरफ्तार कर लो इन लोगों को। खूबसूरत, ये क्या तुमने सन्नी सन्नी लगा रखी है? ये सन्नी है कौन? ये पुलिस वाला है। अरे वो तो मैं भी देख रहा हूँ, ये तुम्हारा क्या लगता है? ये मेरा कजिन है और मेरी से शादी होने वाली है। सनी अब हम क्या करेंगे? इन लोगों ने तो बाहर का दरवाजा भी लॉक कर दिया है, निकलेंगे कैसे यहाँ से? अरे मैं हूँ ना खूबसूरत, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं तुम्हें इन जालिमों से बचाकर यहाँ से ले जाऊंगा और फौरन तुमसे शादी कर लूंगा। हाँ हाँ, तुम क्या कर रही हो? अबे ओ, ये तू जानू किसको बोल रहा है? ये घटिया आदमी मुझे जानू बोल रहा है। अबे तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरी होने वाली बीवी को जानू बोल रहा है? ओ भाई, मेरी तो बीवी ये हो चुकी है। बकवास बंद करो तुम। खूबसूरत, तुम चलने की तैयारी करो, इसको तो मैं देखता हूँ। बस मैं अभी आई। अबे ओ, बस करिए जानू वानू, वरना अंदर कर दूंगा दो मिनट में। ओ भाई, मेरी बीवी की तो याद आ चली गई है, तुझे क्या हो गया बावले? तुझे याद नहीं आ रहा तेरी कजन की शादी 350 एपिसोड पहले मुझसे हुई थी? अबे मुझे सब याद है। इसने मेरा रिश्ता ठुकराया था और घर से भाग गई थी, अब इसे कुछ याद नहीं है। अब तो मौका है मेरे पास बदला लेने का। यार तेरे मुंह की तारीफ नहीं है, तू तो बड़ा ही घटिया है। हाँ वो तो मैं हूँ। अगर तू पुलिस वाला ना होता तो मैं बताता तुझे। तो क्या क्या करता? मैं नहीं, कुछ नहीं, बस यही बताना था आपको भाईजान कि आप ठीक नहीं कर रहे। मम्मा कहाँ जा रही हैं? मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ। इतनी कठोर मत बनो,
देखो अपनी बच्ची को कैसे वो बिलबिला के रो रही है, बिलबिला के रो रही है। चू खा रही है, आइसक्रीम खा रही है। ये अपना काम छुपाने के लिए आइसक्रीम खा रही है ना बेटा? नहीं पापा। हटो मेरे रास्ते से, सनी मेरा वेट कर रहा है। जानू वो एक नंबर का कमीना इंसान है। शट अप नबील। जानू तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? बकवास मत करो, हटो। जानू जानू जाने, तुम तो आइसक्रीम खाना बंद करो। यहाँ बैठे नियत क्यों लगा रहे? मैं नियत नहीं लगा रहा। फिर क्यों कर रहे हैं? अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि घर में इतनी टेंशन चल रही है और तुम आराम से मजे से फ्रूट खा रही हो। तो मेरे फ्रूट खाने की वजह से तो टेंशन नहीं चल रही है ना? अरे मोमो खूबसूरत उस सनी के साथ घर से जा रही है। तो दफा करो उसे, हमें क्या। अरे मोमो अगर खूबसूरत इस घर से चली गई तो हमारा खर्चा पानी कैसे चलेगा? हमें खाने को कौन पूछेगा? अरे फिर तुम ये फ्रूट कैसे खाओगी मोमो? भी जाके उसको रोकती हूँ। अरे उसे रोकने के लिए उसकी याददाश्त वापस लाना जरूरी है, वरना हम सड़क पे आ जाएंगे मोमो। ओ जानू प्लीज प्लीज जानू मत जाओ मत जाओ। खूबसूरत जल्दी करो चलो। तुम इन किडनैपर्स को तो पकड़ो। अरे वो मैंने सिपाहियों को बुला लिया, बस वो आते ही होंगे। ये क्या किया आपने? अभी तो पार्टी शुरू हुई है बच्चू। ओ माँ जी ये क्या कर दिया आपने? और पुत्र मैं तो इसकी वो वापस ला रही हूँ। मैं यहाँ लॉन में कैसे आई हूँ और आप तीनों यहाँ क्यों खड़े? माँ जी आपके हाथ में बैट क्यों है? जानू तुम ठीक हो गई हो? क्यों मुझे क्या हुआ था? ओ कोई नहीं, तो हॉकी खेलते हुए ना फुटबॉल लगने से बेहोश हो गई थी। तुम डाकू ने मुझे मारने की कोशिश की है, मुझ पर अटैक किया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। सनी तुम यहाँ? खबरदार जो तुमने मुझसे रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश की तो डाकू और पुलिस का कोई रिश्ता नहीं होता। नबील लगता है अब इसकी याददाश्त चली गई है। और जाने दे महमूद साहब, इसकी याददाश्त जाने से हमें क्या नुकसान है यार। हाँ लानत भेजो अंदर चलते हैं। खबरदार जो किसी ने हिलने की कोशिश की तो। सनी मैं तो तुम्हारी कजन हूँ यार। कोई मेरी कजन वजन नहीं है, मैं तुम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भागो।